गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है आज का चैप्टर है सामाजिक आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन जो है बेटा, जब जब हमारे समाज में कोई भी चीज़ अपनी चरम सीमा पे होती है या कोई परंपरा ऐसी होती है कि जो हम न चाहते हुए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है, उसको भी हमें मानना पड़ता है, तो तब क्या होता है कि समाज का जो है एक वर्ग उसके विरोध के लिए जो है खड़ा होता है। तो इस तरह से जो है एक सामाजिक आंदोलन का जन्म होता है समाज में परिवर्तन लाने के। तो इस पाठ के अंतर्गत बेटा हमने सबसे पहले सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ा, सामाजिक आंदोलनों का जो समाज पे प्रभाव है उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएँ क्या होती हैं, क्या खास बात होती है सामाजिक आंदोलन में, फिर हमने जो है सामाजिक आंदोलन के कारण पढ़े कि क्यों जो है सामाजिक आंदोलन होते हैं, जैसे प्राचीन रीति रिवाज की मैंने बात की आपसे, असंतुलन जब स्थिति और कार्य में असंतुलन के कारण भी हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें सामाजिक वर्गों में जब असंतोष की भावना भी हो जाती है, फिर विदेश भ्रमण में जब लोग आवागमन की सुविधाओं के परिणाम स्वरूप जब इधर उधर जाते हैं तो लोग वहाँ देखते हैं नई नई चीज़ें शामिल करते हैं अपने जीवन में, ये भी जो है सामाजिक परिवर्तन का कारण बनती है। ठीक है, फिर कई सारी इनकी और भी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। फिर जो है हमने बेटा इसके लिए इसके जो विचार इसके बारे में थे, जैसे होते हैं कि उत्तेजना के कारण होता है, भावनात्मक विकास के कारण होता है, मनोबल का विकास होता है, विचारधारा का निर्माण होता है सामाजिक आंदोलन के द्वारा। फिर हमने भारत में हुए जो स्वतंत्रता से पूर्व या स्वतंत्रता के पश्चात जो कृषक आंदोलन हुए उनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। ठीक, फिर उसके बाद जनजातीय आंदोलन जैसे मसीही आंदोलन का करा, आर्थिक शोषण से प्रेरित जो आंदोलन हुए, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, फिर विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन हुए, इस तरह से जो है कई सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। फिर जनजातीय आंदोलनों के क्या क्या कारण थे, जैसे जब उनका सभ्य समाजों से संपर्क हुआ तो जनजातियों ने भी अपने में जो है परिवर्तन करने की जो है सोची, उन्होंने भी अपने मन में जो है जागरूकता लाने का प्रयास किया, शिक्षा के प्रचार प्रसार स्वरूप। फिर जनजातियाँ जो है ज़्यादातर ईसाई मिशनरियों ने जो है जो सीधे साधे और अनपढ़ लोगों को ही अपना शिकार बनाया, उनको लालच दे करके जो है उसमें उनको प्रलोभन दे करके ईसाई धर्म अपनाने पर जो है उनको बाध्य किया। कई सारी चीज़ें थी, नई शासन व्यवस्था, ये बहुत सारे कारण इनके रहे हैं। तो फिर बात हमने इसमें पारिस्थितिकी की थी, पारिस्थितिकी का अर्थ जो है हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है उसमें जो संतुलन होता है असंतुलन होता है उसके बारे में हमने इसमें पारिस्थितिकी आंदोलन के अंतर्गत अवकरण के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो है पारिस्थितिकी अवकरण क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, जैसे वनों के विनाश के कारण होता है, भूमि के कटाव के कारण होता है, पानी की कमी के कारण भी होता है, ज़्यादातर जब हम खतरनाक उद्योग लगा देते हैं उनके कारण भी होता है। हम भूमि में देखो आजकल कृषि का भी व्यवसायीकरण हुआ, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ तो भाई ज़मीन में पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे रसायनों का छिड़काव किया जाने लगा है कि अब क्या होता है, रसायन हम खेत में छिड़कते हैं, जब वर्षा होती है तो रसायन जो है पानी के माध्यम से ज़मीन के अंदर जाकर क्या करते हैं, जल को जो है प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि यहाँ पे ये तो हर आंदोलन सब ने अपने अपने ये किए, किसी ने किसानों ने अपने हितों के लिए किए, जनजातियों ने किए शोषण के लिए किए, तो इस तरह से अब जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है कुछ आंदोलन यहाँ पे किए गए, यानी कि कुछ एनजीओज होते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएँ होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको बोलते हैं, जैसे स्वैच्छिक संस्थाएं होती हैं, तो ये क्या होती है कि पर्यावरण को जो है जो उससे संबंधित जागरूकता है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है सबसे पहला नाम जो आता है एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यानी एनवायरमेंटल साइंस एकेडमी। ठीक, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ठीक, ये जो है एक मात्र स्वैच्छिक संस्था है जो पर्यावरण के प्रति लोगों में जो है जागरूकता उत्पन्न करने की योजनाएं चला रही हैं, कई कार्यक्रम जो है उससे संबंधित पर्यावरण से संबंधित कई कार्यक्रम जो है
चला रहे हैं। इसमें जो है एक बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों का एक समूह है जो मिलकर कार्य करता है, जो देश हित एवं समाज के हित में जो है बिना किसी स्वार्थ के सेवाएं दे रहा है। ठीक, ये जो अकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज है ये क्या करती है बेटा, ये लोगों में जो है पर्यावरण से संबंधित शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। फिर ये क्या करती है, पोस्टर और प्रदर्शनियों का आयोजन करके जो है लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का भी कार्य करती है। फिर कई सारी चीज़ें हैं, ये निबंध प्रतियोगिताएं भी कराती हैं ताकि लोगों के जो है विचार जान सके, हो सकता है ना कि आइडिया कहीं से भी निकल सकता है। माना जो समय समय पर जो कंपटीशन कराए जाते हैं, माना स्वच्छ भारत अभियान पे जो है काम होती रहती है, स्कूलों में भी जो है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो इस तरह से जो है उनको आइडियाज़ मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, कई सारी निबंध प्रतियोगिताएँ, पर्यावरण से संबंधित निबंध प्रतियोगिताएँ वो आयोजित करते हैं। फिर जो है जो पर्यावरण से संबंधित जो रिसर्च शोध है ऐसे कार्यों को जो है वो बढ़ावा देते हैं। फिर जो है एक मासिक पत्रिका विश्व पर्यावरणीय समाचार पत्र ये जो है प्रकाशित करती है, एक महीने में जो है एक पत्रिका भी निकालती है, इसका नाम है विश्व पर्यावरणीय समाचार पत्र। इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित जो भी समाचार होते हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। फिर बेटा ये औद्योगिक इकाइयों और पर्यावरणीय समस्याओं में संबंध, जो भी मतलब समस्याएं हैं उनका अध्ययन भी ये करते हैं कि भाई किस तरह से औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, किस हद तक जो है इनकी हदबंदी होनी चाहिए, इस बात पे भी जो है ये विचार करती है। ठीक है बेटा, फिर पर्यावरण से संबंधित कई सारी समस्याएँ हैं उनका समाधान करने के लिए छोटी छोटी किताबों यानी पुस्तकों का भी जो है प्रकाशन करते हैं ताकि लोगों में जो है उन पुस्तकों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैल सके। इसमें जो है पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें नाम आ गया है एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ठीक, फिर दूसरा आता है बेटा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से यानी वर्तमान में उत्तराखंड, सर्वप्रथम जो है गोपेश्वर का नाम आता है 1973 में जो है संपन्न हुआ, फिर वहाँ से जो है अन्य स्थानों पे जो है ये फैलता चला गया। इसके अतिरिक्त समय समय पर उत्तराखंड के अन्य स्थानों में जो है इस आंदोलन को दोबारा दोहराया भी गया। इसके कुछ सिद्धांत थे कि भाई इस तरह से जो है वन नीति ऐसी होनी चाहिए जिस जल संस्थानों पर की सुरक्षा, जिससे जो है ऐसी वन नीति होनी चाहिए जिससे जो है पानी के स्रोत सुरक्षित रहे। ठीक, फिर वनों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ की कटाई में जो है अंधाधुंध कटाई नहीं होनी चाहिए, भाई काटिए लेकिन थोड़ा सा जितने लगा रहे हैं उतने ही काटिए, ये नहीं है कि आपने एक पेड़ लगाया और 50 पेड़ आप काट रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, फिर वनों की ठेकेदारी यानी कि जो ठेकेदारों को जो है वनों का कटाई संबंधी कार्य दिया जाता है तो वो कार्य में जो है इसको बंद किया जाए, और जो भी जितने भी चाहे वानिकी कार्यक्रम है, चाहे वृक्षारोपण है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसमें स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि भाई स्थानीय लोगों की भागीदारी जो है होनी चाहिए जंगलात के क्षेत्र में। ठीक है, फिर जो वनों पर आधारित घरेलू उद्योग हैं उनका विकास किया जाए, जिनके लिए जो है सामग्री वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध होनी चाहिए। वे जो घरेलू उद्योग है चाहे कोई भी उद्योग माना, चाहे चटाई बुनने का है या किसी घास से रस्सी बनाने का, कोई सा भी माना जड़ी बूटियों का है, तो इस तरह से होना चाहिए कि मतलब उनका अंधाधुंध दोहन भी ना हो, उद्योग भी चले और संसाधन भी बने रहे। ठीक है बेटा, फिर इस तरह से जो है चिपको आंदोलन में जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी जो है इसको समर्थन दिया। ठीक, इससे जो है पेड़ों की कटाई को रोकने में जो है उत्तराखंड का जो है एक पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में जो है इसमें गौरा देवी का नाम भी आता है जिन्होंने जो है इसकी शुरुआत की, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी इसको समर्थन दिया। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद चिपको आंदोलन जब फैल गया तो इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है एक रैनी इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अलकनंदा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां थी उनके जो
जल कट किनारे थे या उनकी जो सहायक नदियाँ थी उनके जो आसपास के क्षेत्रों में जो है वृक्षों के कटान पे रोक लगा दी गई। ठीक है बेटा, इस तरह से जो है वास्तव में जो है पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी उस पर लगाई गई रोक में चिपको आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसके बाद जो है पेड़ों की कटाई इतनी अंधाधुंध रूप से नहीं हुई। सरकार ने जो है प्रतिबंध लगा दिया, जो नदी के किनारे के जितने भी क्षेत्र थे, उद्गम थे, जितने भी, उनको ये लगा कि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो पानी कहाँ से आएगा, नदियाँ सूख जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके अंतर्गत। ठीक है बेटा, फिर जो है हिमालयन शोध समूह नैनीताल भी है, इसमें जो है पर्यावरण के विकास के लिए प्रति जो है इसका 1982 में जो है इसका जो है सृजन किया गया। यह संस्था जो है हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित जो है शोध कार्यों में जो है जानकारी क्या करती है, जो है एक कहने का मतलब है कि ये संस्था क्या करती है, हिमालय क्षेत्र से संबंधित शोध कार्यों को नामक एक पत्रिका में जो है हिमालयन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने भी शोध कार्य होते हैं यहाँ पे इस पत्रिका में जो है छाप करके वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक पहुँचाती है। फिर पीपुल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया रिसर्च नैनीताल, ये संस्था जो है पहाड़ के नाम से जानी जाती है। ठीक, इसकी स्थापना कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और अध्यापकों के द्वारा 1982 में हुई थी। यह संस्था हिमालय समाज संस्कृति और पर्यावरण से संबंधी जो है जानकारी को जो है सामान्य लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, और ये संस्था साथ ही जो है नशाखोरी और सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए भी जो है समय समय पर आंदोलन चलाया जाता है, और इस संस्था द्वारा पहाड़ नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। ठीक है बेटा, फिर है उत्तराखंड शोध संस्थान, ये भी एक पर्यावरण का अध्ययन करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है। ठीक, इसकी स्थापना 1975 में हुई तथा 1985 में इसको पुनर्गठित किया गया। इसके जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कई केंद्र हैं। ठीक, इसमें जो है इसके जो उद्देश्य है पर्यावरण के संबंध में जो है जानकारी का विकास करने के लिए परियोजनाओं को लागू करना। ठीक, जिससे जो है वर्तमान समय में जो है प्रगति भी नहीं रुकनी चाहिए और संसाधन भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा, फिर इसका दूसरा उद्देश्य है नागरिकों में जो है संस्कृति और मानव मूल्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, उन्हें अपनी वन संरक्षण या भावी पीढ़ियों के लिए जो है अपने संसाधनों के संरक्षण की प्रेरणा देना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना।